सिवनी नॉर्थ वार्ड के वार्ड क्रमांक 43 के नगर सेवक विनोद मिश्र को आम सहमति से निर्विरोध प्रभाग समिति का अध्यक्ष चुना गया। भाजपा के वरिष्ठ नेता विनोद मिश्र मलाड सहकारी बैंक के चेयरमैन भी है। प्रभाग समिति का अध्यक्ष चुने जाने पर विनोद मिश्र को ब्राह्मण एकता मंच चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा सम्मानित किया गया, जिसमें वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर कृपा शंकर मिश्र ब्राह्मण एकता मंच चैरिटी ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष शंभुनाथ मिश्र, मेट्रो मुंबई न्यूज चैनल के डायरेक्टर इंद्रपाल चतुर्वेदी, गांधी विचार मंच के महासचिव मिथिलेश मिश्र, उद्योगपति बद्री विशाल तिवारी, पत्रकार भानु मिश्र, अजय सिंह समेत अनेक गणमान्य उपस्थित हुए। भारतीय जनता पार्टी पे जहाँ तक अप्रोक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से आरोप लगते रहे हैं कि उत्तर भारतीयों को मुंबई में ज़्यादा तरजीह नहीं दी जाती है पार्टी के अंदर, लेकिन आज यह एक कुर्सी जिसके साथ हम बैठे हुए हैं यह साबित करता है, यह प्रमाण है कि इस पी उत्तर के प्रभाग समिति के कुर्सी पर, अध्यक्ष की कुर्सी पर पहली बार एक उत्तर भारतीय नेता यहाँ पे बैठे हुए हैं। विनोद मिश्रा जी मालाड सहकारी बैंक के चेयरमैनशिप की कुर्सी संभालने के साथ साथ इन्होंने प्रभाग समिति की कुर्सी के चेयरमैनशिप की कुर्सी संभाली है। विनोद मिश्रा जी बताइए, उत्तर भारतीयों का झुकाव इस समय मुंबई में, मुंबई की बात करते हैं, मुंबई में किस तरफ, किस तरीके से, कैसा है और 6 सीट का क्या आंकड़ा बता सकते हैं आप? सबसे पहले मैं मेट्रो चैनल के माध्यम से मैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी, मुंबई के अध्यक्ष आदरणीय आशीष सेलार जी, संगठन मंत्री सुनील करजतकर जी और ग्रुप लीडर मनोज कोटक जी और भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता और हमारे वार्ड के सभी मतदाताओं का मैं आभारी हूँ। उत्तर भारत है, जो उत्तर भारतीय समाज है, भाजपा के साथ में है, मोदी जी के साथ में है। आप देखेंगे कि मोदी जी जब उनको उत्तर प्रदेश में उन्होंने नामांकन किया तो सबसे ज़्यादा वोटों से उत्तर भारत ने वो मोदी जी को जिताया। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज़्यादा देश में आज तक इतिहास में कभी उतनी सीटें किसी भी लहर में उत्तर प्रदेश में किसी एक पार्टी को नहीं मिली, वो भारतीय जनता पार्टी को मिली। तो पूरा उत्तर भारत, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, राजस्थान हो, पूरा भारत इस समय भारतीय जनता पार्टी के साथ है, माननीय मोदी जी के साथ में है। और जो मुंबई की 6 उत्तर भारतीय सीटें हैं जो भाजपा लड़ रही है, भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना लड़ रही है, वहाँ पे 6 के 6 युति के कैंडिडेट जीत के आएंगे। और सिर्फ उत्तर भारतीय नहीं, मैं तो बोलता पूरा भारत भाजपा के साथ में। एक बार गोपाल शेट्टी जैसे मजबूत कैंडिडेट उत्तर मुंबई में, उनके हाथ में है सीट, उसके हाथ से खींचने के लिए उर्मिला मातोंडकर को उतारा गया, लेकिन जब जब फिल्मी हस्तियां उतरी हैं तो कहीं ना कहीं भाजपा को उसका झटका लगा है। इस बार क्या लग रहा है? ये बात सही है कि माननीय राम नाईक जी जैसा कद्दावर नेता, हम लोग एक कलाकार गोविंदा जी के आने से हमको एक कद्दावर नेता जो सक्रिय राजनीति में थे उत्तर मुंबई की जनता ने खोया, लेकिन फिर उत्तर मुंबई की जनता ने उनको एहसास हो गया कि 5 साल में जो कलाकार है, अच्छी कला तो सिनेमा पे कर सकते हैं, पर्दे पे कर सकते हैं, लेकिन रियलिटी में नहीं कर सकते। एक वैसे हमारी बहन उर्मिला मातोंडकर अच्छी कलाकार है, अच्छी अदाकारा है, पिक्चर में अच्छी, पर्दे के ऊपर अच्छी एक्टिंग कर सकती हैं, अच्छा रोल निभा सकती हैं, लेकिन उत्तर मुंबई की जनता एक बार धोखा खा चुकी है तो दोबारा धोखा नहीं खाएगी और पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी के साथ में है। पिछली बार 4.5 लाख वोटों से माननीय गोपाल शेट्टी जी चुन के आए थे और इस बार उससे ज़्यादा वोटों से जीत के आएंगे। ये तो मैं बलि का बकरा नहीं बोलता हूँ, लेकिन कोई कैंडिडेट नहीं मिल रहा था कांग्रेस को, क्योंकि जो संजय निरुपम, उन्होंने पूरे महाराष्ट्र में इतिहास बना दिया था, हारने का रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ दिया था कि सबसे ज़्यादा मतों से जी। नीचे से सबसे टॉप आए थे वो तो संजय निरुपम जी भाग गए थे, तो उन्होंने ठीक है अपना गला छुड़ाने के लिए किसी के लाके खड़ा कर दिया है, तो यहाँ के मतदाता पहचानते हैं और आने वाले 29 तारीख को भारी मतों से लोग
और गोपाल शेट्टी जी को वोट करेंगे, कमल के फूल के बटन जिताएंगे और देश में को फिर मजबूत करने के लिए नरेंद्र मोदी जी को 5 साल के लिए बिठाएंगे। आप बता रहे हैं कि विधान के टिकट के हाथ से सीट खिसकती नजर आ रही है, ऐसा क्या? ये कैसा कि एक तो उत्तर मुंबई में उन्होंने कलाकार उतारा है और संजय भाई संजय निपम जी सदाबहार कलाकार हैं, हमेशा नौटंकी करते रहते हैं, नौटंकी बाजे तो इस तरह की घड़ी तो पेश करने की कोशिश कर रहे हैं कि उत्तर भारतीय। पहले आपके सवाल में आ गया था, मैं उसका जवाब दे दिया कि पूरा उत्तर भारतीय क्या छोड़े पूरा भारतीय मोदी जी के साथ में, भाजपा के साथ में है। और जब समीकरण जमीनी हकीकत देखेंगे तो आज 42 में से 40 नगर सेवक भारतीय जनता पार्टी शिवसेना आरपीए और आरएसपी के है और 6 के 6 विधायक महायुति के है। अगर दोनों के वोट को जोड़ दिया जाए तो 6 लाख होता है और कांग्रेस जो पिछली बार 1,83,000 से हारी थी, कद्दावर नेता गुरदास कामत जी थे, और इस बार मुझे लगता है कि जैसे उत्तर मुंबई के कार्यकर्ताओं ने इनको भगाया वैसे इस बार उत्तर पश्चिम के भारतीय जनता पार्टी शिवसेना महायुति के कार्यकर्ता इनको भगाएंगे, फिर इनको उत्तर पश्चिम छोड़ के अगली बार कोई और सीट ढूंढना पड़ेगा। उत्तर उत्तर विभाग में क्या क्या ऐसा आपने कुछ वर्क किया होगा, क्या आपको इस कुर्सी पर रहते हुए क्या क्या करना? एक्चुअली जो मलाड क्षेत्र मुंबई का सबसे बड़ा क्षेत्र है, प्रभाग है, इसमें करीब 18 नगर सेवक, यहाँ की अलग अलग समस्याएं हैं। मैक्सिमम क्षेत्र झुपड़पट्टी है, यहाँ पे सागर का किनारा आता है और यहाँ पे प्रमुख समस्या है अभी जो आने वाला मानसून है उसमें मुझे नाले की सफाई, स्वच्छता और स्वास्थ्य को ध्यान में रख के मुझे काम करना टॉप प्रायोरिटी पे मैंने लिया हुआ है। यहाँ पे और देखेंगे तो जो टीबी का टीबी के पेशेंट 16-17 में 18-19 में सबसे ज़्यादा थे, वो कैसे रेशियो हम लोग लगातार काम कर रहे हैं, तो सभी नगर सेवकों के साथ में मिल करके, क्योंकि मैं निर्विरोध चुन के आया हूँ, सभी नगर सेवकों का साथ लेकर के मैं मलाड को स्वास्थ्य के क्षेत्र में, स्वच्छता के क्षेत्र में और शिक्षा के क्षेत्र में और साफ सफाई, बाढ़ जो आने वाली बारिश उसमें हमारा मलाड डूबे नहीं, उस दिशा में मैं काम करूंगा। तो मैं पूछता था कुरार क्षेत्र कब तक नॉन डेवलपमेंट जोन बना रहेगा? आपके पास पावर आई, सत्ता आई। अब कुरार सही में हकीकत है कि कुरार को सही में ये लोग रिमोट बना के रखे, गांव बना के रखे, आदिवासी पाड़ा जैसा बना के रखे लोगों ने, राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी थी और जनता ने मुझे भरोसा किया। गैस पाइपलाइन लोग चैलेंज कर रहे थे कि विनोद मिश्रा मूर्ख बना रहा है, भारतीय जनता पार्टी के लोग मूर्ख बना रहे, कार्यकर्ताओं को गाली दे रहे थे, लेकिन ये मुमकिन हुआ। एक स्लोगन है, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी थे तो मुमकिन हो गया, क्योंकि केंद्र में माननीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी थे, मैं उनके पास गया, मतलब हमारे कुरार के गाँव के लोग 20 साल से गैस पाइप गैस का एप्लीकेशन लेके गली गली दौड़ रहे हैं, उनको मिल नहीं रहा है। उनका एक ही शब्द था कि विनोद कितना पहाड़ है, बोले साहब एक भी पहाड़ नहीं है, बोले अगर पहाड़ 3 पहाड़ होता तो भी मैं छेद के गैस पहुंचा देता। अब 5 मिनट के अंदर संजय पराड़कर जी, संदीप उपाध्याय जी, विटनेस सब लोग थे, 5 मिनट उन्होंने MD को फ़ोन किया महानगर गैस के, सेंक्शन तो सेंक्शन हुआ, आज लोगों के घरों में गैस पहुँची है। और कुरार के अंदर एक हॉस्पिटल नहीं था, मैंने आते हॉस्पिटल का रिजर्वेशन कराया, डायलिसिस सेंटर नहीं था, डायलिसिस सेंटर पास हो गया, अभी इम्प्रूवमेंट कमेटी में पड़ा हुआ विषय, और रेशनिंग ऑफिस नहीं थी, रेशनिंग ऑफिस में अप्रूवल के लिए पीछे पड़ा हुआ है। जो बेसिक सुविधा थी, पोस्ट ऑफिस लोगों को यहाँ तक आना पड़ता था स्टेशन के पास तक, तो पोस्ट ऑफिस मैंने माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय से बात करके वो भी पास करा के ले लिया। और कुरार के अंदर सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है, रास्ते नहीं है, रास्तों के लिए मैं DP के पीछे पड़ा हुआ हूँ, करीब 2 DP हमारे वार्ड की मैं खोल रहा हूँ। अब मुझे पूरे प्रभाग की जिम्मेदारी है, तो मेरी टॉप प्रायोरिटी रहेगी कुरार के लोगों के लिए कैसे अच्छा रास्ता हो। सीवर नहीं था, सीवर पास करा के ले लिया, सीवर का काम चालू है, लेकिन आपके माध्यम से लोगों से अपील करूँगा कि जो इतने साल में काम नहीं हुआ, अब एक साथ में काम चालू हुआ है, तो थोड़ा लोगों को तकलीफ झेलनी पड़ेगी, क्योंकि रोड खुदे पड़े रहेंगे, कहीं सीवर का लाइन का काम चालू होगा तो कहीं हॉस्पिटल का काम चालू होगा तो कहीं रोड पे तोड़फोड़ चालू होगी, तो लोगों का कोऑपरेशन चाहिए। पर माननीय मुख्यमंत्री जी का स्नेह रहा है ना, और उनका आशीर्वाद नहीं होता तो शायद चुनाव जीतना मुश्किल था, काम करना मुश्किल था। आज जो रिजल्ट दे पा रहा हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व वाली सरकार का बहुत बड़ा हाथ है, और उनका समय समय पर मार्गदर्शन हम लोग लेते रहते हैं। और कुरार के अंदर जो विकास हो रहा है,
तो एक बात ठीक है कि लोगों को घर विकासक ही देगा, लेकिन लोग छोटी मोटी लालच में पड़ के बहुत सारे लोगों को छला जा रहा है, वो छला जाने का काम चल रहा है। और मेरी प्रायोरिटी है कि लोगों को घर दिलाना, जहाँ डेवलपमेंट चालू है वहाँ पे 100% लोगों को घर मिले, और जहाँ नहीं हुआ है वहाँ नए तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो 300 फुट के घर का वादा किया लोगों को घर मिले, 2011 तक के लोगों को उसमें कैसे पात्र किया जाए, उस दिशा में मेरा प्रयास चालू है और जल्दी हो जाएगा। मैं कृपाशंकर मिश्र और हम लोगों के समाज से, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि विनोद मिश्र जी पी उत्तर वार्ड के अध्यक्ष चुने गए हैं और उनके इस सफल विभाग को मिलने से हम सारे ब्राह्मण समाज में एक खुशी की लहर है और हम स्वयं को गौरवान्वित महसूस करते हैं। हम सभी ब्राह्मण समाज की तरफ से उन्हें हार्दिक शुभकामना और बधाई देता हूं कि हमारे समाज के लोग इसी तरह से प्रगति के पथ पर अग्रसर होते रहें और समाज में अपनी भूमिका का निर्वाह करते रहें। जो भी समाज में अच्छे या बुरे या जिस तरह की व्यवस्थाएं हैं उस व्यवस्थाओं से संघर्ष करते हुए अपने आप को साबित करें, और उन्हें मेरी तरफ से कोटि कोटि वंदन और नमन है और हार्दिक शुभकामना है। मैं उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामना करता हूं और उन्हें हार्दिक धन्यवाद। विनोद मिश्रा जी जब मलाल सहकारी बैंक के चेयरमैन थे, तब से ब्राह्मण वंश के विकास में, ब्राह्मणों के उत्थान में हमेशा प्रयत्नशील रहे हैं। आज जब भारतीय जनता पार्टी ने एक उत्तर भारतीय को पी उत्तर विभाग का अगर प्रभाग समिति का अध्यक्ष बनाया है तो हमारे लिए, हमारे समाज के लिए गौरव की बात है। और सारा ब्राह्मण समाज ये चाहेगा कि उत्तर भारतीयों के उत्थान में मिश्रा जी जो योगदान दे सकते हैं हम सब उनके साथ हैं, और हम भाजपा के आभारी हैं कि ऐसे ही उत्तर भारतीयों को आगे ले जाए।